पिछले दिनी शिवसेना टकसाली दे राष्ट्रीय प्रधान सुधीर सूरी का शरेआम दिन दिहाड़े पुलिस के सामने गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। जिस मामले विच संदीप सिंह सनी नू गिरफ्तार किया गया सी। अते इस मामले विच अज सुधीर सूरी का संस्कार करने तो बाद अमृतसर पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह वालों प्रेस वार्ता की गई। सुधीर सूरी कतलकांड की संवेदनशीलता मुख रखते हुए इस मुकदमे की एक सेकेंड मैं तीनों लैंग्वेज बोल दूंगा, ठीक है? तुम अपना अपना कर लो। सुधीर सूरी कतलकांड की संवेदनशीलता मुख रखते हुए कतल के मुकदमे की तफ्तीश लई SIT गठित की गई है, जिसनू हैड करेंगे DCP डिटेक्टिव नाल टीम दे विच ADCP सिटी 2, ADCP सिटी 3 इंचार्ज एंटी गैंगस्टर स्टाफ इंचार्ज CIA हैं। हुण तक की तफ्तीश दे विच मुकदमे विच सिर्फ एक दोषी नामजद है, जिसका नाम FIR दे विच दर्ज मुद्दई वालों कराया गया है, संदीप सनी, जिसनू मौके तो गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश दौरान उस तो कतल विच यूज किया गया हथियार बरामद किया गया है। SIT विज्ञानिक तौर पर विज्ञानिक तरीके नाल तफ्तीश करते हुए तथ्यों के आधार पर कानून मुताबक जिस किसी का भी रोल इन्वेस्टिगेशन चाहेगा उसनू डूंगाई ना जांच करेगी। कोई भी होए कोई साजिश है जिसका भी कोई रोल है उसनू एग्जामिन कानून मुताबिक कर दे उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। SIT के मैंबर मेरे नाल हैं। DGP साहब कतल के दिन मौके पर आए थे, उन्होंने मौके पर भी दसिया कि बिल्कुल फेयर जांच होएगी तो तथ्यों के आधार पर होएगी। इस तो अलावा श्री RN डोके IPS ADGP इंटरनल सिक्योरिटी वो भी इस जांच में सुपरवाइज करेंगे। जय हिंद। इंग्लिश तो हिंदी भी करता ना, इंग्लिश तो हिंदी भी मंगया सी ना, तो तैयार कर। सुधीर सूरी कतल के मुकदमे की संवेदनशीलता को मुख्य रखते हुए इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए SIT गठित की गई है। इस SIT में DCP डिटेक्टिव ADCP सिटी 2, ADCP सिटी 3 उनके साथ इंचार्ज एंटी गैंगस्टर स्टाफ और इंचार्ज CIA मेंबर हैं। अभी तक मुकदमे में दर्ज दोषी संदीप सनी सिर्फ एक अभियुक्त दर्ज है, नॉमिनेट किया गया है, जिसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उससे जो हथियार उसने कत्ल में यूज किया था उसको बरामद कर लिया। SIT को आदेश है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक जिस किसी का भी रोल आएगा तफ्तीश के दौरान उसको नॉमिनेट किया जाए और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। DGP साहब के आदेश के अनुसार श्री RN ढोके IPS ADGP इंटरनल सिक्योरिटी भी इस मुकदमे की तफ्तीश को सुपरवाइज करेंगे। जय हिंद। सर अंत तक की अब इंग्लिश में भी बोल इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, क्योंकि पहले 2-3 दिन जो है जब से कत्ल हुआ है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे। SIT जो है इसको बहुत गहराई से जांच करेगी। अभी तक की तफ्तीश में संदीप सनी जो है वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड, खुद ही उसने फेसबुक और सोशल मीडिया पे देख देख के हेट क्राइम किया है, पर यह पूरी बात नहीं है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे, इसमें बहुत अलग अलग ढंग से तफ्तीश की जाएगी। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हैं, फाइनेंशियल हैं और भी अन्य तफ्तीश होगी। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको हम बताते रहेंगे। सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो जरा प्रभावित होया बारे
अभी इसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता जा सकती, जैसे जैसे होगा हम आपको बताएंगे। नो फर्दर कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। नहीं बस रहना, हले बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, जो जो तफ्तीश बदेगी अगे मैं तुहानू सूचित करा। प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग दिस केस। इज संदीप सिंह इज कनेक्टेड विद एनी ऑफ द रेडिकलाइज्ड ग्रुप? Investigation is at very early stages. Whatever evidence is coming, be it social media or any other platform, the SIT will examine. और जिसका भी role आया उसका तुम्हें मुताबिक कार्रवाई की चीज़ है। So far, police has not established any role of any person who is sitting. Investigation is on. Investigation is on. Did you get any kind of intelligence input from the center regarding that this man will be targeted? You see, details of such operational kind things are not shared. I can only say the SIT will probe the matter very fairly. Sir, no further comments, please. Thank you. मैं कह रहा हूँ कि हले SIT आज ही गठित की गई है, जो जो प्रोग्रेस होगी तेरे ना शेयर की। सर को नमस्कार करके बहुत ही अपने